हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। ये न्यूज़ नया भारत टाइम्स अखबार से है। इसमें आर्टिकल एजेंसी ऑटो द्वारा अपलोड किया हुआ है। पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर बने रहें, और जिन निवेशकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारा अनुरोध है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पूरी न्यूज़ क्या है। नई दिल्ली 16 अक्टूबर, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि PSL लिमिटेड के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए उनके 5,000 रुपये तक के दावे वाले आवेदनों पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी ने फरवरी में PSL के निवेशकों से निवेश राशि वापसी को लेकर आवेदन देने का कहा था। नियामक ने यह भी आवेदन सेनावृत्ति न्यायाधीश RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने 30 अप्रैल तक देने का कहा था। सेबी ने PSL की संपत्तियों को बेचने को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए तथा बिक्री राशि का उपयोग निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए समिति गठित की थी। नियामक ने यह बयान में कहा कि निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए 5,000 रुपये तक के दावे वाले आवेदनों पर गौर किया जा रहा है। धन वापसी प्रक्रिया में निवेशकों के पास बॉन्ड का मूल प्रमाण पत्र और भुगतान की प्राप्त रसीद में विचार किया जा रहा है। नियामक ने PSL के अन्य निवेशकों से समिति की अधिसूचना का इंतजार करे को कहा है। सेबी ने कहा कि जिन निवेशकों का दावा 5,000 रुपये से अधिक है उनकी समिति की अधिक सूचना का इंतजार करने का अनुरोध है। इसके अलावा जिनके आवेदनों में नामनीति का कानूनी वारिस अथवा पूरी रसीद या प्रमाण पत्र नहीं है, वह केवल पावंती पत्र है, उससे भी समिति की अधिसूचना का इंतजार करने का आग्रह किया है। PSL ने अवैध तरीके से लोगों के करीब 60,000 करोड़ रुपए जुटाए। इस राशि मुख्य रूप से कृषि व रियल इस्टेट कारोबार के नाम पर जुटाई गई। सेबी ने पाया कि यह अवैध राशि सामूहिक निवेश योजना के जरिए 18 साल की अवधि में जुटाई गई। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।